देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मेरा फ्लावर है वो ये तो पिंक रोज है, येलो रोज है दोस्तों, और ये जो है से ऑरेंज रोज रोज है। और यहाँ जो देख रहे हैं कि मैरी गोल्ड है दोस्तों, यहाँ कुछ प्लांट है जो इसका नाम शायद मैं नहीं जानती, और इसका ये जो देख रहे हैं ये पेटूनिया है दोस्तों, ये वाइट कलर का है। और यहाँ ये देख रहे हैं जो ये डहेलिया का प्लांट है। तो दोस्तों, अगर आप अपना पास पौधा लगा रखे हैं तो इसको कुछ ध्यान रखिए, और इसको जब लेयर सूख जाए तभी पानी डालिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग देने से दोस्तों सभी प्लांट आजकल ख़राब हो जाते हैं। ओवर वाटरिंग मत कीजिए, और जब इसका फ्लावर सूख जाए तब इसको तोड़ दिया कीजिए, ताकि इसमें नया नया ब्रांच आ सके। ब्रांच आने के लिए इसको प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास जो है, ये कितना भारी मात्रा में सभी फूल को आप देखिएगा दोस्तों, इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। तो आप जब लेयर सूख जाए तभी इसमें पानी डालिए, और इसको 2-3 दिन तक आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी सूखी हुई चाय की पत्ती डालिए, तो इसमें फ्लावरिंग का साइज बढ़ जाएगा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इसमें फूल भी आएगा।